सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, आदर्श धारा स्रोत में होता है तो शून्य आंतरिक प्रतिरोध वोल्टता का निम्न मान, धारा का अधिक मान या फिर अनंत आंतरिक प्रतिरोध। तो उसका सही उत्तर है अनंत आंतरिक प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय एवं निष्क्रिय घटकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, फोटोडायोड। सक्रिय घटक वह कहलाते हैं जो अपने अंदर कुछ ऊर्जा का स्रोत रखते हैं, जैसे कि डायोड 0.3 वोल्ट उत्पन्न करके रखता है। निष्क्रिय घटक वह कहलाते हैं जिन्हें बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए, जैसे कि प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक, LDR। ठीक है, अगला प्रश्न, डायोड, ट्रांजिस्टर और FET के संकेत बनाइए और इनके इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग बताइए। तो डायोड का ये जो सिंबल आप देख रहे हैं कि इसके पीछे प्लस होता है और यहाँ आगे जो होता है माइनस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जो अगला इसका यह है कि डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह किया जाता है। डायोड से बने सर्किट द्वारा, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। ट्रांजिस्टर का सिंबल है ये। ठीक है, इमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, ये NPN का है जिसमें एरो ऊपर की तरफ जा रहा है इमीटर वाला, और PNP जिसमें एरो नीचे की तरफ जा रहा है इमीटर वाला। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर अगला जो है इसी का जो है, ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच और एम्पलीफायर की तरह किया जाता है। ट्रांजिस्टर जब सेचुरेशन तथा कट ऑफ में कार्य कर रहा होता है तब वह एक स्विच की तरह कार्य करता है, तथा जब वह एक्टिव में कार्य कर रहा होता है तब वह एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो एन चैनल JFET होता है और दूसरा जो है पी चैनल JFET होता है। तो एन चैनल JFET में गेट होता है, ठीक है, ड्रेन होता है, सोर्स होता है। पी चैनल JFET में गेट होता है, ड्रेन होता है, सोर्स होता है। इसमें डायरेक्शन जो है, एन चैनल में गेट की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आती है, और जो पी चैनल है उसमें गेट की डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ आती है। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।